राजस्थान के हलायना पुलिस ने 9 साल से हत्या के मामले में फरारी चल रहे 5,000 रुपए इनामी हत्या के आरोपी को धर दबोच लिया है। हलायना थानाधिकारी विजय सिंह छोकर से मिल रही जानकारी के अनुसार इलाके के सरसेना गांव में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। इसमें महिपाल जाट नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने रामवीर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाट के खिलाफ गुनाह दर्ज कर लिया था। 2013 में घटी इस घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर उसकी गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया। इसी समय मुखबिर से आरोपी के बारे में खबर मिलते ही पुलिस ने गांव पिली मोड़ पर नाकाबंदी कर उसे पकड़ लिया। एक्सप्रेस वन न्यूज के लिए हलैना से हरदेव कटारिया की रिपोर्ट। वर्ष 2013 में गांव सरसेना में एक भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। हत्या के समय से रामवीर जाट निवासी सरसेना जो नामजद आरोपी था फरार चल रहा था, जिसकी कल रात को मुझे पुख्ता सूचना प्राप्त हुई कि आज फरार मुलजिम रामवीर सिंह भगवान सिंह जाट निवासी सरसेना हाथरस से नदवई आया हुआ है। नदवई से पीरी मोड़ होते हुए अपने गांव सरसेना जाएगा। इस सूचना पर मेरे द्वारा थाने की टीम को साथ लेकर पीरी मोड़ से सरसेना को जाने वाले रास्ते पर पुख्ता नाकाबंदी शुरू की गई। दौरान नाकाबंदी रामवीर सिंह भगवान सिंह मुलजिम के आने की भनक लगी, जिस पर उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर धर दबोचा। मुलजिम घटना के समय से ही फरार था, जो पिछले 9 वर्ष से अलीगढ़ हाथरस सादाबाद यूपी में रहकर फरारी काट रहा था, जिसकी बार बार सूचना विकसित की जा रही थी, लेकिन कहीं सूचना प्राप्त होते ही दबिश देने से पहले ही निकल भागता था। पुख्ता सूचना पर यह कार्रवाई की गई। मुलजिम की गिरफ्तारी को गंभीरता से लेते हुए तथा हत्या का प्रकरण पिछले 9 वर्ष से हत्या के प्रकरण में फरार होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभी पुलिस मुख्यालय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भरतपुर द्वारा फरार इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी का एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान में सूचना तंत्र को विकसित करते हुए ये कार्रवाई की गई।